अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। बहुत ही जल्द भारत सेमीकंडक्टर चिप का हब बनेगा और चीन ताइवान को टक्कर देगा। पीएम मोदी ने आज 3 नए चिप प्लांट का शिलान्यास कर दिया है। ये प्लांट गुजरात और असम में लग रहे हैं। क्या पीएम नरेंद्र मोदी की पूरी प्लानिंग है और कैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत बनेगा आत्मनिर्भर, आपको दिखाते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन तक कई सेक्टर जुड़े होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। सेमीकंडक्टर हब बनेगा मोदी का नया भारत। चीन ताइवान का दबदबा होगा खत्म। गुजरात असम में शुरू 3 चिप प्लांट। भारत ने सेमीकंडक्टर का वैश्विक हब बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पीएम मोदी आज इंडिया टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए और 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 2 प्लांट गुजरात के धोलेरा और सानंद में स्थापित किए गए, जबकि तीसरा प्लांट असम के मोरीगांव में लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक माइक्रो परियोजना भी शुरू की गई, यानी 4 बड़े प्लांट भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करेंगे। आज एक साथ 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का भूमि पूजन है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स और हाल ही में हुए माइक्रोन प्रोजेक्ट, इन 4 को मिलाने से भारत में 4 बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार होंगे और भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित होगी। पीएम का सपना देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का है। आने वाले सालों में सेमीकंडक्टर की डिजाइन, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत वैश्विक केंद्र बनेगा और दुनिया मोदी के नए भारत का दम देखेगी। इससे देश के युवाओं को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, साथ ही सेमीकंडक्टर चिप में चीन ताइवान का वर्चस्व भी टूटेगा। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप, भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा का निर्माण होगा। यहां टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फैब फैसिलिटी प्लांट स्थापित कर रही है। इसमें कुल 91,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और ये देश का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब होगा। असम के मोरीगांव में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट की सुविधा होगी। यहां 27,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसे भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड स्थापित कर रहा है। गुजरात के सानंद में भी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा के लिए आधारशिला रखी गई है, जिसमें 7500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इनकी स्थापना सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कर रहा है। मोदी सरकार ने साल 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन का ऐलान किया था और पिछले 2.5 सालों में 4 प्लांट लगाने पर फैसला हो गया। ये आत्मनिर्भर भारत और पीएम मोदी के विजन का ही नतीजा है कि भारत में दूसरे देशों की तुलना में काफी तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। इस दौरान चीन और अमेरिका में भी नए प्लांट लगाने को लेकर समझौता हुआ, यानी आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है। इस सेक्टर से ना सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनते वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है।
इस दौरान जापान में 10, दक्षिण कोरिया में 4 और दूसरे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में कुल 7 नए प्लांट लग रहे हैं। मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों में कुल 11 प्लांट लगाने की तैयारी है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है, उससे साफ है कि भारत एक बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में देश में चिप की मांग भी तेजी से बढ़ेगी, खासतौर पर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे उपभोक्ता उद्योग की तरफ से मांग काफी ज्यादा होगी। भारत अभी 90% चिप बाहर से आयात करता है। चीन, मलेशिया, ताइवान, दक्षिण कोरिया में मौजूद चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की नजर भारत की डिमांड पर है। मोदी सरकार ने चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी स्कीम का ऐलान किया। आंकड़ों के अनुसार 45 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया हुआ है, यानी आने वाले दिनों में इस दिशा में बहुत तेजी से प्रगति होगी। फिलहाल चीन एडवांस चिपसेट बनाने के मामले में सबसे आगे है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, कार समेत सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।